हेलो फ्रेंड्स हम आ गए हैं लेके आपका फेवरेट सब्जेक्ट ज्योग्राफी का फोर्थ चैप्टर दैट इज क्लाइमेट ओके सो जब भी मैं कोई भी चैप्टर चालू करती हूँ सबसे पहले मैं उसका इम्पोर्टेंस बता देती हूँ सो so, ये चैप्टर में काफी यू नो इम्पोर्टेंट छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स हैं दूसरा ये चैप्टर में से एक फोर मार्क्स का आंसर आ जाता है सो so, प्लीज ये चैप्टर थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना इसके बेसिक अगर आप लोगों को समझ में आ गए आप ये चैप्टर खुद से भी फ्रेम कर सकते हो जस्ट लाइक मैथ्स में बेसिक लॉजिक्स होता है फॉर्मुला लर्न कर लिया बाकी पूरा समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करो बेसिक फॉर्मूला लर्न कर लो आगे पूरा चैप्टर मक्खन जाएगा ये मैं आपको अभी से बता के रख रही हूं ठीक है सो so, सबसे पहले ये लेक्चर नंबर वन है हम इसमें इंडिया का पूरा क्लाइमेट समझ लेंगे ठीक है सबसे पहले इंडिया के क्लाइमेट की बात करती हो तो ये एक इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक है क्लाइमेट कैसा है इंडिया का इंडिया का क्लाइमेट है मॉनसून टाइप बारिश आती है ओके स्नोफॉल ओनली इन द पार्ट ऑफ इंडिया मेनली क्या आती है बारिश ठीक है ये एक्चुअली ढूंढा किसने ये बारिश हमारे लिए तो ये आम बात थी बारिश आ रही है क्या बड़ी बात हो गई हम तो हमें तो आदत है बट क्या हुआ इंडिया में जब सेलर्स आए तो उन्होंने देखा ये पानी किधर से गिर रहा है यार ये क्या हो रहा है तब उनको पता चला कि इंडिया में जो क्लाइमेट है वो कैसा है मॉनसून वाला है दे एक्चुअली केम अप विद एंड यहां पे क्या हुआ जब हवा आती है उसके वजह से बारिश होती है एक सिंपल फंडा हमें पता है राइट तो वो जब आते थे तो एक पर्टिकुलर सीजन में जब वो आते थे तो हवा उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती थी धक्का मारती थी कभी कभी वो लोग आते थे तो हवा मतलब एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में धक्का मारती थी तो वो लोग ये लॉजिक समझ के जब उनको ट्रैवल करना होता था ये सोच समझ के वो लोग ट्रैवल करते थे जब उनको वो डायरेक्शन में ट्रैवल करना होता था तब वो लोग ये सीजन में निकलते थे एंड दैट इज हाउ दे एक्चुअली यू नो वेंट अहेड एंड टोल्ड कि दिस इज बिकॉज ऑफ द मर्सी ऑफ विंड्स विंड से हम आगे पीछे जा रहे हैं इजिली दैट इज द टाइम जब हमें सीजन के बारे में पता चला इंडिया के ठीक है अरब आ रहे थे ये एक्चुअली बोलते थे रिवर्सल ऑफ मॉनसून विंड्स तो ये लोग आके नए नए टर्म्स देके जा रहे थे इंडिया में डिपेंडिंग ऑन द टाइम दे इन तो पर्टिकुलर सीजन में आते थे तो हवा इंडिया की तरफ आ रही थी कभी कभी आते थे तो हवा इंडिया से ऑपोजिट जा रही थी तो ये लोग ये सब देख के प्लान करके इंडिया में आते थे जब मैं इंडिया के क्लाइमेट की बात करती हूँ तो इंडिया में बहुत सारे अलग अलग जगह पे अलग अलग क्लाइमेट आपको देखने मिलेगा ओवर ईयर मेनली पूरे कंट्री में बारिश ही आती है राइट right? बट फिर भी यहाँ पे आपको अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्लाइमेट देखने मिलेगा अभी इसका बेसिक रीजन क्या है मैंने आपको पहले ही बोला था ये चैप्टर में बेसिक लॉजिक समझ लो पूरा चैप्टर एकदम मक्खन जाएगा तो ये वाला पार्ट अभी ध्यान से सुनना नेक्स्ट पांच मिनट आप अगर ध्यान से सुन के समझ लोगे पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा सो लेट्स डिग इन टू द टॉपिक सबसे पहले हमें पता है हम सब के सबसे बड़े बेस्ट फ्रेंड हैं सन ठीक है सन अपनी रेज डालते हैं कहां पे तो अर्थ पे और दूसरे प्लैनेट्स पे नाउ जब सन अपनी रेज देता है सबसे ज्यादा उनका फेवरेट बच्चा है इक्वेटर सबसे ज्यादा सन रेज कहां देते हैं तो इट इज ऑन द इक्वेटर सो अगर आप इक्वेटर पे जाओगे इतनी भर भर के गर्मी क्योंकि डायरेक्ट प्रकोप है उनका डायरेक्ट सन रेज उस पे पड़ते हैं बहुत गर्मी होती है ऑन द इक्वेटर डायरेक्ट सनरेज आते हैं, और ये एक दो दिन नहीं पूरा साल डायरेक्ट सनरेज कहाँ होते हैं तो होते हैं ऑन द इक्वेटर जैसे ही मैं थोड़ा थोड़ा ऑन द हेमिस्फीयर्स जाने लगू द पोल्स तो सनरेज स्लैंटिंग होते जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि सोलार एनर्जी कम होते जाएगी और ठंडी बढ़ते जाएगी सो so, सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ होती है ऑन द इक्वेटर एंड जैसे ही मैं पोल्स की तरफ जाऊंगी तो द टेम्परेचर विल गो ऑन डिक्रीजिंग तो इक्वेटर पे द टेम्परेचर इज हाई एंड द पोल्स पे द टेम्परेचर इज लो ये तो हमें ऑलरेडी पता है राइट सो एज सुन एज गो टूवर्ड्स द पोल सन रेस लैंडिंग होते जाती है एंड इसकी वजह से गर्मी कैसे होते जाती है गर्मी हो जाती है कम इसकी वजह से ना अर्थ पे बहुत सारे प्रेशर बेल्ट क्रिएट होते अब भी ये प्रेशर बेल्ट क्या है हमको प्रेशर आ गया है सुनके। बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं ठीक है इसका मैं आपको एक बेसिक फंडा बताती हूँ जब हवा गर्म होती है तो हवा गर्म क्यों होती है सबसे पहले हवा गर्म होती है क्योंकि उसमें पानी मॉइस्चर नहीं है ठीक है अगर मॉइस्चर नहीं है तो वो हवा एकदम हल्की है ठीक है हवा हल्की है तो जमीन पे प्रेशर आएगा ज्यादा की कम द आंसर इज कम राइट तो बेसिकली जब टेम्परेचर ज्यादा है हवा गर्म है तो एयर प्रेशर क्या होगा कम होगा क्योंकि हवा में वजन नहीं है ये अगर मैं बोलू ठंडी लग रही है बहुत ज्यादा तो हवा में ही इतना मॉइस्चर है हवा इतनी भारी है तो प्रेशर कितना होगा ज्यादा सो ये उल्टा है जब भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा गर्मी हो रही है हवा में मॉइस्चर नहीं है एयर प्रेशर कैसे होगा कम यही अगर मैं बोलू ओ इतनी ठंडी है एयर प्रेशर कैसे होगा एयर प्रेशर होगा ज्यादा रिलेटेड so, जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा एयर प्रेशर कम और जैसे ही टेम्परेचर कम एयर प्रेशर ज्यादा ये बेसिक फंडा आप समझ लो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है ठीक है इसीलिए हम इस कंट्री में जब हम बात करते हैं हम समझते हैं कि विंड्स कैसे ब्लो होते हैं एयर प्रेशर कैसे क्रिएट होता है ठीक है अभी सबसे पहले इंडिया और ब्राजील के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं हमने ये पढ़ा था इंडिया से क्या पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ब्राजील से क्या पास होता है ट्रॉपिक ऑफ केप्रेकॉन इस चैप्टर में हम मैक्सिमम टाइम्स ये वाले बेल्ट के बारे में ही पढ़ेंगे क्यों इसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इंडिया और ब्राजील दोनों मेनली ये ही बेल्ट में आते हैं कौन सा बेल्ट ट्रॉपिकल बेल्ट ट्रॉपिकल बेल्ट मतलब क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन के बीच का जो बेल्ट है उसके बारे में सबसे ज्यादा पढ़ेंगे अभी यहां पे अगर आप एरोस देखोगे तो विंड्स ब्लो हो रही है विंड्स ब्लो होती है ये क्या है बेसिकली अभी जैसे कि हमारे दिमाग को कभी भी बोलो हाई प्रेशर पसंद है कि लो प्रेशर एग्जाम के टाइम पे इतना हाई प्रेशर होता है सब पकाते हैं कब पढ़ोगे कितना पढ़ोगे कितना पढ़ा हाई प्रेशर जैसे ही वेकेशन चालू हुआ मस्त मजा की लाइफ एकदम लो प्रेशर कौन सा प्रेशर पसंद है जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ हाई प्रेशर की लो प्रेशर मुझे तो भैया लो प्रेशर पसंद है आराम से मजानी लाइफ वैसे ही को भी क्या पसंद है विंड्स को भी पसंद है लो प्रेशर तो इसीलिए जो पोलार रीजन है वहां पे इतनी ठंडी है इतनी ठंडी है वहां पे एयर प्रेशर इतना है कि वो सब किधर आते हैं वो सब आते हैं टूवर्ड्स द इक्वेटर तो जब इक्वेटर की तरफ विंड्स आ रही है तो वो तो बेचारी सीधी सीधी चल रही थी पर क्योंकि हमारा अर्थ ही टेढ़ा इंसान है क्या करता है अर्थ घूमता रहता है शांति तो है नहीं बिकॉज और घूम रहा भी घूम गई एंड इसीलिए ये विंड्स टेढ़ी हो गई ठीक है तो ये विंड्स को विंड क्या बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड क्योंकि इनका डायरेक्शन क्या है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ तो ये कैसे आ रही थी नॉर्थ से आ रही थी बट ये थोड़ा टेढ़ी हो गई ठीक है ठीक है पर अभी ये बात समझ लो पूरे अर्थ पे ये विंड्स ब्लो हो रही है ठीक है अभी इंडिया अपना एकदम यूनिक देश है इसमें सबसे ज्यादा फीचर्स हमें देखने मिलते है सब जगह पे पूरे अर्थ पे बारिश होती है तो बारिश यही विंड्स लेके आती है इंडिया बोलते सब बने बनाए इस पे बारिश चाहिए ही नहीं मुझे मुझे अपना एक अलग विंड्स बनाना है मैं अपने हिसाब से बारिश करवाऊंगा ऐसे कैसे हम हमारा फ्रेश विंड्स बनाएंगे हमको ये चलती फिरती विंड से बारिश चाहिए ही नहीं क्यों तो अभी हम हमारा फ्रेश बना रहे कैसे कैसे बनाएंगे मैं बताती अभी हम बना रहे क्यों और कैसे ये समझ लो सबसे पहले सो so, अगर मैं इंडिया की बात करती हूँ इंडिया में सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ होती है आप लोग बोलो होती है राजस्थान में यहाँ पे बहुत भर भर के गर्मी है गर्मी ज्यादा है टेम्परेचर ज्यादा है एयर प्रेशर कैसा होगा एयर प्रेशर होगा लो हमको पता है अभी एयर प्रेशर लो होता है तो भाग भाग के आ जाती खाली हाथ आएंगे नहीं क्योंकि जैसे ही ये पोर्शन सिर्फ लो होके आ रही है विंड्स यहाँ पे खाली हाथ नहीं आते इंडिया में आप लोगों को पता है राइट हम बहुत सारे गिफ्ट लेके आते ये विंड्स आते आते क्या गिफ्ट लेके आ रही है ये मॉइस्चर लेके आ रही है कहां से यहाँ पे सी है उससे लेके आ रही है इंडियन ओशियन से लेके आ रही है बे ऑफ बंगाल से लेके आ रही है एंड ये आती है टूवर्ड्स इंडिया अभी ये कहां से आ रही है साउथ से आ रही है कि नॉर्थ से आ रही है ये आ रही है टू फ्रॉम द साउथ एंड साउथ के ये साइड से आती है तो इसको क्या बोलेंगे साउथ वेस्ट और ये क्या लेके आती है तो ये लेके आती है बारिश उसको हम बोलेंगे मॉनसून तो इंडिया में जो बारिश होती है वो कौन से विंड से होती है इट इज साउथ वेस्ट मॉनसून विंड इंडिया बनी बनाई जो विंड है उससे बारिश लेता नहीं है हमारी तो विंड भी स्पेशल है क्या नाम है साउथ वेस्ट मॉनसून वेस्ट अभी ये जो moisture वाली है, उसके वजह से इंडिया में क्या होता है रेनफॉल ठीक है अभी अगर कोई भी पूछे इंडिया में कौन से विंडार्ट फ्रॉम दैट चार ऐसी चीजें जो इंडिया के क्लाइमेट को भारी भरकम इफेक्ट कर रहे ठीक है इंडियन ओशन एंड द हिमालय लैटिट्यूड हमने देखा था रेज चेंज अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड अगर हम पोल्स की बात करें तो स्लैंटिंग रेज आती है तो वहां पे ठंडी होती है इक्वेटर पे एकदम भारी भरकम धूप ये चारों फैक्टर्स के वजह से इंडिया में

एक है टेम्परेट जोन और एक है ट्रॉपिकल जोन ठीक है तो ट्रॉपिकल जोन की बात करूं तो यहाँ पे ज्यादा गर्मी है सो so, इंडिया में अगर पूछेंगे गर्मी ज्यादा कहाँ होती है टुअर्ड द साउथ ऊपर तो अपना एकदम ठंडा ठंडा फ्रिज है हिमालय तो ज्यादा टेम्परेचर कहाँ है टुवर्ड्स द साउथ ओवर यर वॉर्म टेम्परेचर ऑफ द नॉर्दर्न जोन गिवज इट कोल्ड विंटर सीजन एंड हॉट समर सीजन ये जो टेम्परेट जोन है टेम्परेट जोन उसका एक फीचर है वहां पे ठंडी भी अच्छी खासी होती है गर्मी भी अच्छी खासी होती है अगर मैं दिल्ली का एग्जाम्पल दे दू तो दिल्ली में ठंडी भी अच्छी होती है गर्मी भी होती है तो यहाँ पे प्रॉपर विंटर सीजन भी आपको फील होगा जब मैं ट्रॉपिकल पार्ट की बात करती हूँ ट्रॉपिकल मतलब नीचे का जो वी पार्ट है इंडिया का वहां की बात करती हूँ तो वहां पे इतना ज्यादा सनरेज है सन इतना है कि वहां पे कोई भी प्रॉपर विंटर सीजन अपने को फील ही नहीं होती अगर मैं महाराष्ट्र की भी बात करूं विंटर सीजन मतलब क्या हमें गर्मी नहीं होती ये विंटर सीजन है हमारे लिए कभी देखा है महाराष्ट्र में स्नोफॉल होते हुए नहीं हमें ठंडी फील होती नहीं है हम ठंडी कब बोलते हैं अरे बस गर्मी नहीं हो रही राइट क्लियर कट विंटर सीजन इज नॉट सीन इन द ट्रॉपिकल जोन बट टेम्परेट जोन में विंटर सीजन एंड समर सीजन ये दोनों देखने मिलता है ठीक है अभी सेकेंड फैक्टर की बात करते हैं तो ऑल्टीट्यूड ऑल्टीट्यूड का बेसिक मतलब क्या होता है हाइट नाउ अगर मैं एक डिग्री ऊपर जाती हूँ अभी जैसे ही आ, मैं बोलू कि आ, मैं 166 मीटर चढ़ी कोई भी पहाड़ जैसे ही मैं 166 मीटर चढ़ती हूँ एक डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है जैसे ही मैं ऊपर 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 पहाड़ के चढ़ते जाऊंगी मुझे ठंडी लगेगी ओवर हियर जैसे ही मैं पहाड़ पे जाती द कीप्स ऑन डिक्रीजिंग सो लगेगीचर में ठंडी होती है एज कम्पेयर टू द प्लेन्स फॉर एग्जाम्पल अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं महाबलेश्वर में ठंडी होती है बट मुंबई एकदम लो लाइंग एरिया है तो यहाँ पे गर्मी जैसे ही मैं ऑल्टीट्यूड ऊपर ऊपर जाती हूँ टेम्परेचर गोज ऑन डिक्रीजिंग ठीक है नाम दैट एक और फैक्टर है इंडियन ओशन इंडियन ओशियन का सबसे बड़ा काम क्या है सबसे बड़ा ठीक है इंडिया में जितनी भी बारिश होती है थ्री साइड से हमारा वॉटर बॉडी कवर्ड है हमें पता है यहाँ पे हमारा अरेबियन सी है इंडियन ओशियन एंड बे ऑफ बेंगाल तो ये जो तीनों जगह है अरेबियन सी इंडियन ओशियन एंड बे ऑफ बेंगाल ये हमारे जो क्लाउड्स है उनको मॉइस्चर देते हैं ताकि वो इंडिया में आके बारिश दे सके सो so बेसिकली ये जो भी पार्ट है ठीक है जो एकदम कोस्ट के पास है उसके ऊपर तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता ही है ये एक मॉइस्चर का एक बहुत बड़ा सोर्स है जहां से ये क्लाउड्स मॉइस्चर कलेक्ट करके हमारे देश में क्या देते हैं तो देते हैं बारिश ऑल्सो कभी भी ये याद रखना जो भी विंडस होती है लैंड बहुत इजीली गर्म होता है बहुत इजीली ठंडा होता है पानी को गर्म होने भी टाइम लगता है ठंडा होने भी टाइम लगता है जैसे ही लैंड बहुत गर्म हो जाता है ना विंड्स ब्लो फ्रॉम वॉटर टू लैंड ठीक है विंड जब वॉटर टू लैंड ब्लो होता है ना तो वो टेम्परेचर को क्या कर देता है थोड़ा सा कम इसीलिए कभी भी आप मुंबई में देखो एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं होगा बिकॉज ये बैलेंस आउट कर देता है जैसे ही इसने वाटर ने लैंड को ठंडा किया तब तक वॉटर एक्सट्रीम गर्म हो गया तो विंडस कहां से ब्लो होगी फिर लैंड टू वॉटर तो पूरा दिन लैंड टू वॉटर वॉटर टू लैंड ये खेलते रहते हैं विंडस ब्लो होती रहती है और ये एक दूसरे को क्या करते रहते हैं बैलेंस इसीलिए कभी भी कोस्ट पे एक्सट्रीम क्लाइमेट मिलेगा नहीं ओके यहां पे हमेशा कैसा मिलेगा मॉडरेट क्लाइमेट ठीक है Now when I speak about the fourth, uh, sorry, the fourth, sorry, third factor, इज हिमाल हिमालय ना हमारे bodyguard गार्ड bodyguard, गार्ड मतलब क्यों मैं बोल रही हूँ बहुत ठंडी हवा हमारे समझो polar regions से आ रही है वो हमारे Himalayas block कर लेते आने का ही नहीं है इधर आना ही मत अगर Himalayas नहीं होते, एक fun fact बोलती हूँ ठीक है Temperate zone में snowfall होना बड़ी आम बात है अभी यहाँ पे क्या होता है इंडिया में स्नोफॉल होता अगर हिमालया नहीं होते क्योंकि ये जो टेम्परेट विंड आ रही है एकदम ठंडा ठंडा स्नोफॉल लेके हिमालय उधर से बोलते उधर से रिटर्न चले जाओ सीधा कल्टी मारो इंडिया में स्नोफॉल देना नहीं सो ओवर योर द कोल्ड दैट आर कमिंग ओवर योर आर ऑब्स्ट्रक्टेड नॉट ओनली दैट हमने जो अपनी बारिश की स्पेशल विंड्स बनाई थी साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स वो भी आती है उसको हिमालया बोलता है जल्दी टोल भरो जल्दी टोल भरो बारिश करो इसीलिए ओरोग्राफिक रेनफॉल भी होती है ये रीजन में बिकॉज ऑफ हिमालया हिमालय इतना बड़ा है इतना बड़ा है कि ये विंड्स हिमालयाज के ऊपर से जा पाती नहीं है तो पहले यहाँ पे ये विंड्स जाती है यहाँ पे बारिश होती है ये विंड यहां से ही वापस आती है इसीलिए हमारे पास दो सीजन हो जाते हैं मॉनसून एंड रिट्रीटिंग मॉनसून ठीक है आई होप ये वाला पार्ट अभी तक क्लियर है मैं क्विक रीकैप दे रही हूं ध्यान से सुनना सबसे पहले हमारा अर्थ है अर्थ पे पेंडिक्यूलर रेज ऑफ द सन आती है कहां पे तो इक्वेटर पे बाकी जगह पे अकॉर्डिंग टू दैट जैसे ही हम पोल्स के जहां पे जाएंगे तो स्लैंटिंग होते जाती है इक्वेटर पे टेम्परेचर विल बी हाई बिकॉज परपेंडिकुलर रेज है यही मैं पोल्स पे जाऊंगी तो टेम्परेचर क्या होते जाएगा कम एयर प्रेशर मतलब हवा का वजन जैसे ही हवा में गर्मी है एयर प्रेशर कैसा होगा कम एंड हवा में ठंडी है मॉइस्चर ज्यादा है एयर प्रेशर कैसा होगा हाई विंड्स को क्या पसंद है विंड्स को पसंद है लो प्रेशर तो विंड कैसे ब्लो करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इसीलिए हमारे अर्थ पे विंड ब्लो होती है बट जब विंड है तो विंड सीधा ब्लो होती नहीं है क्योंकि अर्थ क्या करता है अर्थ सीधा घूम जाता है आई एम क्लियर विद और इंडिया में हम कोई भी सादी सीधी विंड बारिश लेते नहीं है हम अपनी विंडस बनाते है. उनका नाम क्या है साउथ वेस्ट मॉनसून

द ट्रॉपिकल रीजन रिसीव ऑलमोस्ट वर्टिकल रेज ऑफ सन तो गर्मी ज्यादा होती है सो इन द टेम्परेट रीजन ऑफ द नॉर्थ समर्स आर वेरी हॉट एंड विंटर्स आर वेरी कूल ट्रॉपिकल रीजन में पूरा टाइम गर्मी टेम्परेट रीजन में समर्स आर हॉट एंड विंटर्स आर कूल राइट सो हमारे यहाँ पे दूसरा है हिमालय वो हमारे जो कोल्ड विंड ब्लोर है नॉर्थ से उसको हमें प्रोटेक्ट करते हैं और साउथ वेस्ट मॉनसून को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं और उसके से क्या होता है ओरोग्राफिक रेनफॉल कहां पे टुवर्ड्स साइड हियर इन द मेजर पार्ट्स ऑफ इंडिया प्रेसिपिटेशन इज इन फॉर्म ऑफ रेनफॉल प्रेसिपिटेशन मतलब पानी कैसे मिल रहा है स्नो फॉल हो सकता है मॉनसून हो सकता है हिलस्टो हो सकता है अलग अलग फॉर्म्स में हो सकता है So, India में major parts में precipitation कैसे होता है? है? ठीक नाउ क्विकली रिवाइजिंग दिस आंसर हिमालयन इंडियन ओशियन कैसे इंडिया का क्लाइमेट अफेक्ट करते हैं सबसे पहले अगर मैं इन सिंपल वर्ड सिर्फ दो सेंटेंसेस में ये आंसर को बोलूं, तो सबसे पहले इंडियन ओशियन हमारे विंड्स जो ब्लो कर रही है उसको बहुत सारा मॉइस्चर देते हैं जिससे क्लाउड्स फॉर्म होता है एंड इंडिया में बारिश होती है ऑल्सो ये जो कोस्ट का एरिया है उसको मॉडरेट टेम्परेचर पे रखता है एक्सट्रीम क्लाइमेट पे जाने देता नहीं है हिमालयस तो सबसे पहले नॉर्थ से जो विंड्स आ रही है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है एंड सेकंडली हिमालयस और क्या करता है हिमालयस साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स को ऑब्स्ट्रक्ट करके ओरोग्राफिक रेनफॉल देता है एंड आल्सो बिकॉज़ ऑफ हिमालयस वो विंड्स रिट्रीट करती है जिससे एक और बार इंडिया में बारिश होती है सो so, अब हम बात करेंगे हमारे फोर सीजंस के बारे में ओवर हियर अकॉर्डिंग टू जिकल डिपार्टमेंट ये कौन सा डिपार्टमेंट है जो बताता है इंडिया में अगर आप न्यूज चालू करोगे बारिश की सीजन में रेड अलर्ट ऑरेंज अलर्ट बहुत बारिश होने वाली है साइक्लोन होने वाली है सब कौन बताता है तो ये वेदर फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट बताते हैं ठीक है ठीके? तो अकॉर्डिंग टू दिम कौन से हमारे सीजन है कितने सीजन है सबसे पहले तो चार ठीक है तो हम समर सीजन नहीं बोलेंगे हम फैंसी लोग हैं हम बोलेंगे हॉट वेदर सीजन कौन सा सीजन है हॉट वेदर सीजन फिर हमारा और थोड़ा फैंसी सीजन ऑफ रेनफॉल ओके सबसे बादजन ऑफ रेनफॉल फिर द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून एंड लास्ट वन द कोल्ड वेदर सीजन क्योंकि हम फैंसी लोग ऐसे समर विंटर रेनी मानसून ऐसा बोलने का नहीं एकदम फैंसी बोलो अभी क्या बोलेंगे हॉट वेदर सीजन कोल्ड वेदर सीजन सीजन ऑफ रेनफॉल सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून सकती है फैंसी नेम्स ठीक है अभी ये बेसिकली सीजन होते कैसे हैं हमें पता है अर्थ अपने एक्सेस में घूमता है 24 फोर आवर्स लगते हैं हमारा डे एंड नाइट होता है उसके अलावा अर्थ सन के अराउंड भी घूमता है बट अर्थ का एक प्रॉब्लम है सीधा घूमता नहीं है अर्थ टेढ़ा है क्या कर सकता है टेढ़ा है फिर भी मेरा ही है ओवर योर कितना टेढ़ा है 23.5 थ्री पॉइंट फाइव डिग्रीज तो ये सीधा है नहीं इट इज टिल्टेड है वो कितना ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव डिग्री अभी अर्थ किधर घूमता है तो अर्थ घूमता है सन के आजू बाजू ठीक है जब सन के आजू बाजू घूमता है कितना टाइम लगता है हमें लगता है थ्री सिक्सटी फाइव डेज एक साल लगता है ओवर योर इट ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन इसके वजह से क्या बनती है सीजन बनती है ठीक है ओवर योर चार पोजिशन है अर्थ की समझ लो ट्वेंटी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी फर्स्ट जून ओवर योर ट्वेंटी थर्ड 22 ट्वेंटी सेकेंड ये चार जगह पे चार सीजन बनती है ये कैसे बन रही है ये याद रखो अभी सबसे पहले ये समझ लो कि अर्थ खुद अपने आजू बाजू घूम रहा है और सन के आजू बाजू घूम रहा है अगर आप ये वाले पोजिशन की बात देखो ध्यान से देखो ठीक है ये वाला पार्ट टू ये वाला अर्थ में हम नदन है, में है इंडिया में ठीक है यहाँ पे समझो कि मैं यहाँ पे बैठी हु यहाँ तक मेरे यहाँ पे इंडिया है नीचे यहाँ पे टिल हियर ब्राजील है जब मैं टेढ़ी बैठी हूँ यहाँ पे सन है अभी मेरा यहाँ पे इंडिया है इट इज मोर क्लोज टू द सन यहाँ पे जब मैं सन के ज्यादा पास हूं तो मेरे यहाँ पे कौन सा होगा समर सीजन तो यहाँ पे बिकॉज डायरेक्ट सनरेज आ रही है मैं हूं, यहां हूं मैं हूं सन सन पे पे डायरेक्ट ज्यादा पास के तो यहां पे कौन सा सीजन होगा हमारा समर सीजन धीरे धीरे ओवर हियर मैं सन दूर जा रही हूँ अभी यहाँ पे आप देखोगे सदर्न हेमिसफियर इज मोर क्लोज टू द सन तो ये वाले पार्ट में सदर्न हेमिसफियर वालों को गर्मी होगी ये अभी नॉर्दर्न एमिसर सन से दूर है तो उनको क्या मिलेगा विंटर सीजन तो अभी आप लोगों को समझा होगा बेसिकली हमारा टिल्टेड है इसीलिए हमें डिफरेंट एक्सपीरियंस करने मिलती है। यहाँ पे हम सन से ज्यादा पास है तो यहाँ पे क्या होगा गर्मी दिस इज समर सीजन एंड यहाँ पे जैसे ही मैं आगे जाऊंगी ओवर तो मेरा क्या होगा ठंडी इट विल बी विंटर सीजन ओवर योर यहाँ पे जब मैं सन की बात करती हूँ ऑलमोस्ट वर्टिकल रेस फॉल करते हैं इन दिस हेमिस्फेयर द नदर्न हेमिस्फेयर इज मोर क्लोजर टू द सन बिकॉज ऑफ दिस वी एक्सपीरियंस द फर्स्ट पोजिशन में क्या हम एक्सपीरियंस करते हैं समर सीजन दूसरे पोजिशन में हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं रेनी ओवर योर थर्ड पोजिशन में हम रिट्रीटिंग मॉनसून

यहां पे temperature up to 50 degree Celsius. कितना होता है 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 इसका location याद गंगानगर पे होता इसीलिए इंडियन ओशन से विंड आती है ओवर योर टू द लैंड बिकॉज ऑफ विच इंडिया में क्या होती है बारिश क्या बारिश क्यों हो रही है यहाँ पे हमारे वेस्टर्न घाट है तो कोस्ट पे वेस्टर्न घाट से बोलते रुको मेरे को पहले टोल दो बारिश करके आगे जाओ इसीलिए जब वो मूव करती है यहाँ पे बारिश होती है बहुत ज्यादा बारिश होती है ऑन द विंडवर्ड साइड और पीछे क्या बन जाता है रेन शेडो एरिया क्योंकि यहाँ पे सब बारिश दे दी यहाँ तक पहुंचते पहुंचते बारिश के लिए पानी ही खत्म हो गया है इसीलिए वेस्टर्न घाट के पीछे एक रेन शेडो एरिया है यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है अगेन ये जो येलो वाला टेढ़ा मेढ़ा मिर्ची दिख रहा है वो आपको मैप मार्किंग के लिए याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये पूछते हैं रेन शेडो एरिया ऑफ द वेस्टर्न तो ये लोकेशन याद रख लो ठीक है ओवर ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न गार्ट वेरी हैवी रेनफॉल ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न वी हैव अ रेन शेडो एरिया पर यहाँ पे एक माउंटेन तो है अरावली अरावली यहाँ पे है पर फिर भी बारिश क्यों नहीं हो रही क्योंकि अरावली के बाजू से ये बारिश निकल जाती है ये इसको ऑब्सट्रा करती नहीं है इसीलिए ये विंड से पास हो जाते हैं पर बारिश नहीं होती गुजरात एंड राजस्थान में इसीलिए बारिश कम है यहाँ पे आगे 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 जब ये विंड्स आती है तब कौन आ जाता है हमारा बॉडी कौन कौन आमालस और यहाँ पे हिमालयाज उसको रुका देती है एंड क्या करवाती है बारिश जैसे ये यह यहाँ से मूव होती है यहाँ पे से उसका ऑब्वियसली बहुत गर्मी है तो मॉइस्चर कैरी करने का कैपेसिटी बढ़ जाता है। वी हैव अ प्लेस जैसलमेर दैट इज देर इन राजस्थान ये यहाँ पे यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो बहुत 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 कम बारिश होती है इट इज द ड्राइस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इंडिया का सबसे सूखा जगह कौन सा है तो जैसलमेर कितनी बारिश होती है तो 120 mm कितनी बारिश होती है 120 mm सबसे ज्यादा टेम्परेचर गंगानगर इट वाज समवेयर ओवर ईयर इट वाज 50 डिग्रीज़ जैसलमेर ये बॉक्स के यहाँ पे है इट इज 120 mm ठीक है जब मैं इसकी बात करती हूँ ये है हमारे हिमालयस यहाँ पे हिमालयस ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं इसीलिए एक साइड पे बहुत ज्यादा बारिश होती है इंडिया में एंड इसी के पीछे बन जाता है रेन शेडो एरिया एंड एक और जगह यहाँ पे हमारे पास खासी हिल्स है क्या हिल्स है <coughs> <coughs> खासी हिल्स <coughs> खासी हिल्स के यहाँ पे दो जगह है मोहसिन एंड चेरापुंजी मोहसिन एंड चेरापुंजी में भर भर के बारिश होती है बे ऑफ बेंगाल दिल खोल के मॉइस्चर देता है ये विंड्स को यहाँ पे मौसे नानंद चेरा पुंजी दे आर ही शिलोंग है शिलोंग को बोलते बारिश पानी यही नहीं खत्म हो गया उनको सिर्फ हजार एम एम जस्ट नोटिस करो एक पहाड़ की वजह से इतना डिफरेंस यहाँ पे ग्यारह हजार एंड यहाँ पे कितना है सिर्फ थाउजेंड एम एम रेनफॉल ओके ओवर हियर मॉसिन नामन चेरापूंजी की बात करूं तो ये सिर्फ इंडिया के नहीं वर्ल्ड के वेटेस्ट प्लेस हैं यहाँ पे याद रखो मॉसिन रन 11872 एमएम mm, चेरापूंजी 11777 एमएम mm. यहाँ पे ये दो लोकेशन भी याद रखना है मैप मार्किंग पॉइंट ऑफ व्यू वेरी 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 इंपॉर्टेंट ठीक है जब मैं इसकी बात करती हूँ तो ये वाला सीजन आई थिंक आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया है द सीजन सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून वाला हमने कभी सुना ही नहीं है। ये तो हमारे होता ही नहीं नहीं मैम तो हमारे होता है सिर्फ नाम के लिए डाल दिया है। नहीं होता है आई टेल यू क्या है बेसिकली सो ओवर ईयर सबसे पहले तो हमने देखा था यहाँ पे बहुत गर्मी फॉर्मी थी इसलिए साउथ वेस्ट मानसून जन में जा रही थी अभी यहाँ पे उन्होंने पूरे कंट्री में बारिश वारिश दे दिया उनका काम खत्म हो गया अभी यहाँ पे हिमालय को यहाँ पे भी बारिश दे दिया अभी हिमालय बोल रहा है अभी यहाँ से ही वापस जाओ उधर उधर जाने की जरूरत नहीं है विंड्स ओके जा रहे हैं तो यहाँ से हिमालय ने रोक लिया अभी वापस आ रही है जब ये विंड्स वापस आ रही है ना तो अगेन यहां से जो विंड्स आ रही है वो वापस मॉइस्चर कलेक्ट करती है कहां से तो दे आर कलेक्टिंग द मॉइस्चर फ्रॉम द बे ऑफ बेंगाल और ये कौन सा डायरेक्शन से आ रही है तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आ रही है नॉर्थ एंड टुवर्ड्स ईस्ट जा रही है यहाँ पे ये लोग जब मूव कर रहे हैं ये वापस बे ऑफ बंगाल से बारिश का पानी लेते जाते हैं एंड यहाँ पे हमारे टूटे फूटे ईस्टर्न गार्ड्स तो है ही ईस्टर्न गार्ड्स बोलते अरे अरे ऐसे कैसे मेरे को भी टोल दो तो इसीलिए ये लोग टोल देते हैं और तमिलनाडु में बारिश होती है तमिलनाडु में Mainly बारिश रिट्रीटिंग मॉनसून से होती है आई होप आई एम क्लियर साउथ वेस्ट मानसून में जब जा रही है तो कम बारिश जब वापस आ रही है तो भर भर के बारिश होती है एंड यहाँ पे जहां पे बारिश हो रही है उसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट क्या नाम है कोरोमंडल कोस्ट इट इज इन तमिलनाडु जहां पे क्या होती है रिट्रीटिंग मॉनसून ऑल्सो ये याद रखो एग्जाम पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट मैप मार्किंग ठीक है तमिलनाडु मैक्सिमम रेनफॉल कैसे एक्सपीरियंस करता है थ्रू रिट्रीटिंग मॉनसून अब बात करते हैं हमारी फेवरेट सीजन की जिसमें सोने में बड़ा मजा आता है एंड दैट इज विंटर सीजन इंडिया में विंटर में माइनस फोर्टी तक भी टेम्परेचर जाता है इंडिया में सबसे ठंडी जगह है कारगिल जहां पे टेम्परेचर जाता है माइनस डिग्री सेल्सियस इंडिया में ऑलमोस्ट फिफ्टी डिग्रीज का फ्लक्चुएशन होता है हमारे पास यहाँ पे था गंगानगर गंगानगर का टेम्परेचर था 50 डिग्रीज एंड यहाँ पे कारगिल में है माइनस फोर्टी डिग्री सेल्सियस सो इंडिया में ऑलमोस्ट 100 डिग्रीज का फ्लक्चुएशन हमें देखने मिलता है ओवर इंडिया में पूछा है प्रेसिपिटेशन नॉर्थ ईस्ट मानसून भी होता है कैसे होता है तो हमारी साउथ वेस्ट मानसून विंड जा रही थी उसको ब्लॉक किया था हिमालया ने ओवर हियर यहाँ पे जब वो आ रही है तो वो कूल ब्रीज लेके आ रही है जब वो बे ऑफ बेंगाल से पास हो रही है तो वो वापस मॉइस्चर कलेक्ट कर लेती है क्योंकि ये ड्राई विंडस्चर है अब तो इनमें मॉइस्चर है नहीं इन्होंने बारिश कर दी भर भर के तो जब उन्होंने वापस मॉइस्चर कलेक्ट कर लिया है तो ये कहाँ पे बारिश देते हुए जाएंगे दे विल गिव रेन इन द कोरोमंडल कोस्ट ओके जब मैं इंडिया की बात करती हूँ तो इंडिया में ओवर योर नेचुरल डिजास्टर्स भी होते हैं लाइक इराटिक रेनफॉल ड्रॉट साइक्लोन्स फ्लड्स एक्सेट्रा ओके सो दिस वाज़ द क्लाइमेट ऑफ इंडिया चार फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे थे वो थे ऑल्टीट्यूड लैटिट्यूड हिमालयास एंड द इंडियन ओशन उसके अलावा इंडिया में चार सीजन है हमने देखा था द हॉट वेदर सीजन द कोल्ड वेदर सीजन द सीजन ऑफ रेनफॉल एंड द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून सो दिस वॉज द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इंडिया की बात करूं तो इंडिया में प्रॉब्लम्स भी हैं क्या-क्या प्रॉब्लम है सबसे पहले इरैटिक रेनफॉल देन वी हैव ड्रॉट्स एंड साइक्लोन्स एंड ऑल ऑफ दीस थिंग्स कन्वेंशनल टाइप ऑफ रेनफॉल इंडिया में क्यों नहीं हो रही इसका आंसर बहुत सिंपल है कन्वेंशनल रेनफॉल होती है इक्वेटर में इक्वेटर इंडिया में नहीं है दूसरा ड्यू टू इंटेंस हीट द एयर एंड जैसे ही ऊपर जाती है ठंडी होती है तो बारिश होती है और इसीलिए पे इक्वेटर पे रोज बारिश होती है यहाँ पे इक्वेटर पास ही नहीं हो रहा तो एक्सट्रीम सनरेज है ही नहीं इसीलिए इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री इसीलिए हमारे यहाँ पे कौन सी बारिश नहीं होती कन्वेंशनल टाइप ऑफ रेनफॉल ठीक है अभी मैं इजी पीजी पार्ट करवाने वाली हूँ ये अगेन ग्राफ रीडिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है तो ये वाला पार्ट ध्यान से सुनो यहाँ पे चार ग्राफ्स दिए हुए हैं दिल्ली कोलकाता मुंबई एंड चेन्नई ये एक बार ग्राफ है और इसमें लाइंस भी है ठीक है बार ग्राफ में क्या दिखा रहे हैं तो इट इज रेनफॉल एंड लाइंस रेड लाइन इज मिनिमम टेम्परेचर एंड ब्लू लाइन इज मैक्म टेम्परेचर हियर यहाँ पे क्वेश्चन है वॉट डिफरेंस डू यू फाइंड इन द रेनी सीजन ऑफ चेन्नई एंड अदर सिटीज चेन्नई में आप देखोगे बारिश हो रही है कहाँ पे अक्टूबर नवम्बर दिसंबर राइट बाकी महीनों में अगर आप देखोगे दिल्ली में कब ज्यादा बारिश हो रही है जुलाई अगस्त सितंबर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगेन जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में भी थोड़ी बहुत हो रही है अगेन जुलाई जून जुलाई ऑगस्ट सेप्टेंबर सो ओवर ओवरयोर पूरे कंट्री में अलग मंथ्स में बारिश होती है चेन्नई में सबसे ज़्यादा बारिश होती है सेप्टेंबर टू डिसम्बर जबकि अदर कंट्रीज में होती है फ्रॉम जून टू सेप्टेंबर यहाँ पे अगर मैं चेन्नई की बात करूँ ये इसको इसको कैसे बारिश मिलती है नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड से ये जो विंड्स ब्लो कर रही है टुवर्ड्स इंडियन ओशियन तो बे ऑफ बंगाल से पानी लेते लेते ये कोरोमंडल कोस्ट पे चेन्नई में बारिश देते हुए जाती है इंडिया में अदर सीजन की बात करूँ तो किस जो अदर प्लेसेस की बात करूँ तो किससे बारिश होती है इट इज साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स ओके अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट सिमिलैरिटी डू यू सी इन द टेम्परेचर कर्व्स ऑफ डेली एंड कोलकाता सबसे पहले डेली का है येरा कोलकाता का है यारा अभी क्या क्या सिमिलैरिटीज देखने मिलता है अगर आप ध्यान से टेम्परेचर देखोगे ओवर हियर फॉर बोथ द द सिटीज कर्व डिक्रीजेस कम हो रहा है कब जुलाई टू नवंबर। तो जुलाई टू नवंबर कहाँ गया जुलाई है ये रहा और नवंबर में ये टेम्परेचर कर्व नीचे जा रहा है अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगेन यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ तो डेली की तो ये टेम्परेचर कर्व जुलाई से नवंबर में नीचे जा रहा है द सेम इज एप्लीकेबल ओवर हियर एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने पूछा है एवरेज रेंज ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर सिलेक्ट करो ठीक है सबसे पहले दिल्ली की मैं हाईएस्ट टेम्परेचर की बात करती हूँ तो 40 के थोड़ा ऊपर है 41 वन लोएस्ट टेम्परेचर की बात करूंगी तो 5 के थोड़ा ऊपर है 6 तो यहां वी कैन सी मैं कोलकाता का देखूंगी तो हाईएस्ट ओवर योर थर्टी के थोड़ा ऊपर है थर्टी सेवन लोएस्ट मैं देख रही हूँ तो टेन के थोड़ा नीचे तो नाइन सो so, ऐसे आपको समझ में आ जाएगा दिल्ली का ओवर योर सिक्स डिग्रीज है एंड द हाइस्ट टेम्परेचर इज फोर्टी कोलकाता नाइन है हाईएस्ट टेम्परेचर इज थर्टी सेवन ओवर योर मुंबई की बात करेंगे तो मुंबई में अगर मैं लोएस्ट टेम्परेचर यहाँ पे देखूँ तो इट इज ओवर योर 16 एंड हाईएस्ट की बात करूं तो इट इज ओवर यर 35 को ऑलमोस्ट टच कर रहा है बट थोड़ा सा नीचे तो वी विल कॉल इट एज़ 34 चेन्नई की बात करती हो तो चेन्नई में 20 के थोड़ा ऊपर है 21 एंड हाईएस्ट बोलेंगे तो 40 के थोड़ा नीचे है तो 39 इजी है हाईएस्ट एंड लोएस्ट कैलकुलेट करना है इन व्हिच सिटी द रेंज इज मिनिमम What कैन यू infer अबाउट its क्लाइमेट रेंज मतलब कहाँ सबसे कम फ्लक्चुएशन हो रहा है अगर आप दिल्ली देखोगे तो ग्राफ पूरा ऊपर नीचे है अगेन कोलकाता में भी है देन वी स्पीक अबाउट मुंबई तो काफी कम डिफरेंस देखने मिल रहा है चेन्नई में तो डिफरेंस है ही नहीं चेन्नई में सबसे कम डिफरेंस है आप देखोगे दोनों लाइन ऑलमोस्ट पैरल जा रही है इक्वेबल क्लाइमेट है ज्यादा ठंडी ज्यादा गर्मी होती नहीं है कहाँ सबसे ज्यादा डिफरेंस देखने मिलता है सबसे ज्यादा उबड़ खाबड़ आपको देखने मिलेगी दिल्ली में दिल्ली में सिक्स डिग्री जा रहा है और फोर्टी वन तक भी जा रहा है तो सबसे ज्यादा अगर मैं बोलू एक्सट्रीम क्लाइमेट तो कहां पे है इट इज इन दिल्ली ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है बेस्ड ऑन द टेम्परेचर रेनफॉल मुंबई कमेंट अपॉन इट्स क्लाइमेट मुंबई के टेम्परेचर के हिसाब से उसके क्लाइमेट के बारे में बताओ मुंबई का लोएस्ट टेम्परेचर हमने पिछले क्वेश्चन uh, में देखा था सिक्सटीन है highest, अगर मैं देखूं तो इट इज ओवर योर थर्टी फोर ओवर अगर मैं एवरेज ठीक है इसका मतलब मुंबई में कैसा क्लाइमेट है इट इज हॉट एंड वर्ड लिखना बहुत जरूरी है हॉट एंड ह्यूमिड इन विच डज इंडिया एक्सपीरियंस द हाइएस्ट रेनफॉल तो यहाँ पे जुलाई अगस्त है यहाँ पे अगेन जुलाई अगस्त है यहाँ पे जुलाई अगस्त है यहाँ पे तो अलग ही चल रहा है इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है इन द मंथ ऑफ जुलाई बट एक्सेप्ट फॉर चेन्नई चेन्नई में बाद में रिट्रीटिंग मॉनसून हो रहा है तो उसकी बारिश बाद में आती है क्लासीफाई दिटीज इन इक्वेबल मतलब रहने लायक और एक्सट्रीम क्लाइमेट तो हमने देखा था दिल्ली में एक्सट्रीम है कोलकाता में फिर भी इक्वेबल है मुंबई में भी इक्वेबल है चेन्नई में भी इक्वेबल है आई होप ग्राफ समझ में आया है एक और बार ये ग्राफ वाला पार्ट सुन लो तो एकदम क्लियर हो जाएगा मूविंग ये वाला जो मैप है ये हमारा फिजिकल मैप है और ये जो लाइंस यहाँ पे देखने मिलता है इसको आइसोथर्म्स बोलते हैं दिस इज द आइसोप्लेथ मैप ठीक है ओवर विच रीजन एक्सपीरियंस मोर देन फोर थाउजेंड एम एम ऑफ रेनफॉल पहले तो कभी भी मैप पढ़ते हो सबसे पहले पढ़ना है इंडेक्स यहाँ पे रेनफॉल लाइट कलर मतलब कम रेनफॉल डार्क कलर मतलब ज्यादा रेनफॉल ये लाइन्स कौन से हैं टेम्परेचर के हैं ऑनसेट मानसून विंड ये सब एरोज किस के हैं तो ये मानसून विंडस के हैं तो मोर देन फोर थाउजेंड मतलब डार्क ब्लू कलर कहाँ कहाँ देखने मिलता है तो वेस्टर्न घाट्स में देखने मिलता है यहाँ पे वेटेस्ट एरिया में देखने मिलता है और यहाँ पे देखने मिल रहा है तो वेस्टर्न गार्ड्स वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे आपको क्या देखने मिलेगा हाइएस्ट रेनफॉल देन यहाँ पे मोहसिन राम एंड चेरापूंजी एंड द पार्ट्स ऑफ आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश गेट मोर देन फोर थाउजेंड एमएम ऑफ रेनफॉल ओके अभी पूछा है इंडिया में मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर कहाँ पे अगर आप देखोगे मैक्सिमम टेम्परेचर इंडिया में आपको देखने मिलेगा ट्वेंटी नाइन का है जो कहाँ पे दिख रहा है एक तो यहाँ पे दिख रहा है एक यहां दिख रहा है एंड देर इज वन मोर लाइन ऑफ ट्वेंटी ओवर टेम्परेचर कैन बी सीन ओवर योर सेंट्रल ये वाला पार्ट एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनसुलर प्लेटो एक तो सेंट्रल पार्ट में और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है ओवर योर आपको लो टेम्परेचर कहाँ देखने मिलेगा तो नॉर्थ में एंड नॉर्थ ईस्ट में क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारे हिमालयाज एकदम चिंदी क्वेश्चन पूछा है इन वेस्ट डायरेक्शन इज द टेम्परेचर क्योंकि ऊपर क्या है हमारे हिमालयस आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स शोन व्हाट आर दे नोन एज ये कौन से डायरेक्शन से आ रहे हैं अगेन हमें पता है दे आर साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स कौन से डायरेक्शन से आ रहे हैं दे आर ब्लोइंग फ्रॉम द साउथ वेस्ट कहाँ जा रहे हैं टूअर्ड्स नॉर्थ ईस्ट ये डायरेक्शन में फ्लो करते हैं सिबल फॉर रेनफॉल इन इंडिया हमारा आंसर कॉन्स्टेंट है साउथ वेस्ट मॉनसून फॉर रेनफॉल इन इंडिया अरे यहाँ पे तो पहाड़ भी है फिर क्यों नहीं बारिश हो रही क्योंकि अरावलीज आर देर बट द विंडल टू अरावली वो अरावली से साथ में पास हो जाता है अरावली ऑबस्ट्रक्ट करता नहीं है सो राजस्थान इज अंडर अ डेजर्ट नेक्स्ट पूछा है पेनिनसुला में सेमी एरिड कंडीशन कहाँ मिलता है और क्यों पेनिनसुला मतलब ये पार्ट सेमी एरिड मतलब ड्राई वाला कहाँ मिलता है ओवर योर इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द पेनिनसुला यहाँ पे कौन से कौन से स्टेट है महाराष्ट्र है आंध्र प्रदेश है कर्नाटका है तमिलनाडु ये सब जगह पे आपको यहाँ पे कौन सा मिलेगा सेमी एरिड काइंड ऑफ क्लाइमेट मिलेगा क्यों क्योंकि यहाँ पे हमारा वेस्टर्न घाट है ये पूरा एक रेन शेडो एरिया बन जाता है एंड इसीलिए यहाँ पे कैसा क्लाइमेट मिलता है सेमी एरिड क्लाइमेट इसी के साथ द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज ओवर मैं अगर क्लाइमेट की बात करूं क्लाइमेट में हमने अभी काफी चीजें पड़ी है इंडिया के क्लाइमेट की बात करूँ तो इंडिया का क्लाइमेट इज आल्सो गेटिंग अफेक्टेड बाय अ लॉट ऑफ थिंग्स देवर फोर थिंग्स लैटिट्यूड्स इंडियन ओशियन एंड द हिमालय हमने के बारे में पढ़ा अगर मैं एक सिंपल आपको बोलूँ तो इंडिया में बहुत ज्यादा गर्मी होती है राजस्थान पंजाब में उसकी वजह से यहाँ पे क्रिएट हो जाता है बहुत ज्यादा लो प्रेशर टेम्परेचर इज हाई एयर प्रेशर इज लो वहां पे लो प्रेशर है तो सब विंड्स फटाफट फटाफट भाग के आ जाती है इधर जब विंड्स आती है अकेले आती नहीं है वो बारिश लेके आती है जो ऑब्स्ट्रक्ट होती है वेस्टर्न घाट से बारिश देती है आगे ऑब्स्ट्रक्ट होती है हिमालय से बारिश देती है फिर हिमालय से आगे पास होने देते नहीं है इसीलिए हिमालय में बारिश देने के बाद वो वापस आ रही है अगेन वो वापस आते टाइम जब मूव हो रही है तो ये एकदम कोल्ड विंड है पर मॉइस्चर उनमें नहीं है वापस आते टाइम वो थोड़ा सा पानी कलेक्ट करती है बे ऑफ बंगाल से अगेन ऑब्स्ट्रक्ट होती है हमारे ईस्टर्न घाट से वापस बारिश देती है और चली जाती है दिस इज रिट्रीटिंग मॉनसून एंड लास्ट हमारा है कोल्ड वेदर सीजन इंडिया में सबसे गर्म जगह है गंगानगर 50 डिग्री सेल्सियस सबसे ठंडा जगह है कारगिल माइनस फोर्टी डिग्री सेल्सियस ड्राइस्ट प्लेस जैसलमेर 120 ट्वेंटी एम एम ऑफ रेनफॉल वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया मोहसिन राम एंड चेरापुंजी एंड दीज आर नॉट ओनली वेटेस्ट प्लेसेस इन इंडिया बट ऑल्सो द्लेसेज इन द वर्ल्ड आई होप क्लाइमेट ऑफ इंडिया आपको पूरा समझ में आ गया है एंड इट इन परफेक्टली अभी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगी विद द क्लाइमेट ऑफ ब्राजील अंटिल देन आराम से ये वाला मॉड्यूल पढ़ो हैप्पी लर्निंग एंजॉय खाओ पीओ मजे करो थैंक यू